सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाजी मंदिर की, जहां पर शाम का वक्त है और प्रधानमंत्री मोदी आरती कर रहे हैं। तमाम विकास नवरात्र का पर्व चल रहा है, प्रधानमंत्री गुजरात में हैं, गुजरात वासियों को बहुत सारी योजनाओं की सौगात वो दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था शाम में मां की आरती में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, फिर उसके बाद परंपरा के मुताबिक उन्होंने गरबा और डांडिया का लुत्फ उठाया था। आज भी आज अंबाजी मंदिर पहुंचे हैं मां के दर्शन करने के लिए, आरती करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। आज सुबह ही उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के लिए बहुत अहम दिन कल और आज, दो दिन का प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा है। और ये तस्वीरें मां की आरती करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, मां अंबा के मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री आरती कर रहे हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण किया है, कईयों का शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री ने आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है। इसके अलावा दो करोड़ों की योजनाओं की सौगात गुजरात को प्रधानमंत्री ने इन दो दिनों में दी है। अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बेहद सुखद सफर हो जाएगा। और खास तौर पर इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर लोगों को यह पता चलेगा कि यह हवाई सफर से भी ज्यादा अच्छा सफर है, तो लोग हवाई यात्रा छोड़कर वंदे भारत की यात्रा करना शुरू कर देंगे। 7200 करोड़ का तोहफा गुजरात के लिए। लोग यहाँ आए तो उनका एक बहुत सुखद अनुभव रहे, यहाँ पे जब माता के दर्शन करने आए। कई योजनाओं का लोकार्पण, कई योजनाओं का शिलान्यास, नवरात्र का मौका है। प्रधानमंत्री खुद भी पूरे 9 दिन तक उपवास रहते हैं और गुजरात में हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उस दौरान भी प्रधानमंत्री तकरीबन हर दिन लोगों के बीच जाया करते थे नवरात्र के मौके पर, लेकिन अब प्रधानमंत्री रहते हुए खास तौर पर नवरात्र के उपलक्ष्य पर तोहफा लेकर गुजरात वासियों के लिए प्रधानमंत्री गए हैं। आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, मां अंबा के मंदिर में आरती करते हुए, कल भी हमने देखा था मां की आरती में शामिल हुए थे, डांडिया गरबा का लुत्फ उठा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में हैं, दो दिन का उनका ये गुजरात दौरा है। बहुत अहम दौरा उनका माना जा रहा है, क्योंकि कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, कईयों का उद्घाटन भी किया है और बहुत अहम तमाम योजनाएं कि हम इस प्रकार की व्यवस्था हो। गोपी इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, मां अंबे के मंदिर में आरती करते हुए, कल भी मां की आराधना करते प्रधानमंत्री को हमने देखा था, और इसके अलावा जो तोहफे गुजरात के लोगों को खास तौर पर नवरात्र के मौके पर मिले हैं। बिल्कुल, देखिए नवजोत, प्रधानमंत्री के जरिए इन 2 दिन के दौरे के अंदर प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ रुपए के जो तोहफे हैं वो गुजरात के लोगों को दिवाली से पहले की ही दिवाली की एक भेंट दे दी है। और गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात जो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, और वहाँ पे क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो भेंट है वो गुजरात को वंदे भारत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन जो अहमदाबाद के एक छोर से लेकर दूसरे छोर को कनेक्ट करती है वो है। और मेट्रो ट्रेन के साथ साथ प्रधानमंत्री इस वक्त अंबाजी में पहुंचे हुए हैं, अंबाजी में मां अंबा के दर्शन कर रहे हैं। और हमने देखा है, कई सालों तक हमने देखा है नवजोत की, प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो हर नवरात्रि में मां जगदम्बा के दर्शन के लिए यहाँ पे आते थे, अंबाजी मंदिर में आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आज पहुंचे हैं यहाँ पे, माँ जगदम्बा में उनकी बेहद आस्था है। और नवरात्रि के मौके पर वो हमेशा सिर्फ पानी पे उपवास किया करते हैं, नवरात्रि में माँ की आराधना, क्योंकि शिव भक्त नरेंद्र मोदी को तो हमने देखा था, लेकिन अब माँ अंबा की आराधना करते हुए मोदी जो है वो भी लोगों के सामने आए हैं। और लगातार हम कह सकते हैं कि कई सालों से हम देखते हैं कि नवरात्रि में माँ की आराधना वो इसी तरीके से उपवास के साथ करते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, उनकी आरती करते हैं। और कल गरबा में भी गए थे, गरबा में भी माँ की आरती की और गरबा का लुक भी उन्होंने उठाया, कुछ वक्त तक उन्होंने गरबा को देखा। तो गुजरात की ये संस्कृति रही है, ये परंपरा रही है, और प्रधानमंत्री इस संस्कृति, इस परंपरा को लगातार, जिसे हम कहते हैं कि उसी संस्कृति परंपरा के साथ वो नवरात्रि को मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गोपी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपी मेरी सहयोगी जानकारी हमें दे रही थी, तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां की आरती करते हुए, मां अंबा के दर पहुंचे हैं और मां की आरती कर रहे हैं प्रधानमंत्री।